बड़वा नगर के समीपस्थ नगर की सबसे बड़ी मजदूर नियोक्ता अग्रवाल ब्रेवरेज में 25 कर्मचारियों की रविवार रात रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुछ दिन पूर्व काम करने वाले दो कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके पश्चात उन कर्मचारियों के कार्यस्थल को सैनिटाइज करके बंद कर दिया गया था, परंतु शेष फैक्ट्री में उत्पादन कार्य पूर्ववत जारी था। 168 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 25 कर्मचारियों की रविवार रात रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इतने बड़े संस्थान जहां सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत हैं और अनेकों की आवाजाही बनी रहती है, ट्रांसपोर्टर्स और आबकारी अमले की भी नियमित उपस्थिति रहती है, उसे संक्रमितों के पाए जाने के बाद भी उत्पादन करने देना बड़ी भूल साबित होता नजर आ रहा है। अब तक नगर में संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा इसी शराब फैक्ट्री से आया है और ये सभी आसपास के क्षेत्र में ही निवासी हैं। ऐसे में इनकी ट्रेवल हिस्ट्री से न जाने कितने पॉजिटिव केस सामने आना बाकी है। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। नहीं चाहिए होगा, हम करेंगे। एक्स्ट्रा सजेशन हमें मत दीजिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमने उसकी बात ही नहीं हो रही। अब आप क्या क्या बोल रहे हैं, विजिट कर लीजिए। बड़वा में टोटल अभी तक कितने पाए गए? टोटल कल की लिस्ट में 25 लोग मिले हैं यहाँ पे पॉजिटिव, तो अभी उनको शिफ्ट करके और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को करके और उनकी कार्रवाई की जा रही है। जो खोड़ी ग्राम में जो इनकी एक फैक्ट्री है उसको सील कर दी है। सर कितने लोग मिले खोड़ी के? 25 लोग आए हैं। कहाँ पे रखा है सर इनको क्वारंटाइन? अभी ये देखिए, इसमें डिपेंड करता है, अगर उनको सिम्टम होता है तो उनको DCHC भेजा जाता है, और अगर माइल्ड सिम्टम होता है, सिम्टम नहीं होता है, तो उनको कोविड केयर सेंटर में रखा जाता है। कहाँ पे बनाया सर कोविड केयर सेंटर? आपका एक सनावद एक बड़वा में है, और DCHC जो है आपका वो खरगोन जिला अस्पताल। इनको 25 को कहाँ रखा है सर? अभी इनको 25 को बड़वा में रखा जाएगा। सर सनावद क्यों नहीं रखा इन्हें? देखिए बड़वा और सनावद दोनों कोविड केयर सेंटर ही हैं, वो कहीं भी रखे जा सकते हैं। सर इसमें पहले जितने भी गए हैं सब सनावद गए, आज 25 को रखने की क्या जरूरत पड़ी सर बड़वा में? क्योंकि पॉजिटिव है ना आपके, वो भी पॉजिटिव था सर। कोविड केयर सेंटर आपके दो जगह, बड़वा में भी है सनावद में भी है। लेकिन बड़वा में भी उनको वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो उनको सनावद में मिलेगा। लेकिन सर आज इन 25 को रखने के लिए सर एक मुद्दा बना है, बाजार में चर्चा का विषय है कि ये खोड़ी फैक्ट्री के इसलिए इनको यहाँ रखा जा रहा है, वैसे सबको ही सनावद भेजा गया SDM द्वारा, ऐसा क्यों? ये बड़वा और सनावद में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों सेम है। कोविड केयर सेंटर जो है वो दोनों सेम सर, इतने पॉजिटिव जा सकते हैं बड़वा में भी रखे। सर इतने पॉजिटिव निकल रहे हैं तो अपन आगे क्या सुरक्षा के लिए? देखिए अभी ये तो सभी को पता है कि पॉजिटिव केसेस निकलेंगे और उसी पे कार्रवाई की जा रही है। अधिक से अधिक लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिए कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर फैक्ट्री को सील करेंगे क्या? फैक्ट्री सील हो गई है, सील हो गई है। सर इसमें जो पॉजिटिव जैसे निकल रहे हैं उनके आसपास वाले भी मार्केट में दिखते हैं क्वारंटाइन? देखिए उसमें कांटेक्ट ट्रेसिंग होगी अब इन सभी लोगों की, आज में उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग होगी, और कांटेक्ट ट्रेसिंग में जो हाई रिस्क कांटेक्ट आएंगे उनको सबको क्वारंटीन किया जाएगा, अलग से उनको रखा जाएगा, और जो गाइडलाइन के हिसाब से उनका टाइम आएगा तो उनका सैम्पलिंग लिया जाएगा और फिर उसमें आगे कार्रवाई उस तरह से की जाएगी गाइडलाइन के हिसाब से। सर बड़वा में जो इतने पॉजिटिव निकल रहे हैं इसमें लॉकडाउन के लिए नई व्यवस्था में क्या सोचा आपने? देखिए लॉकडाउन की व्यवस्था अलग से इसमें कुछ नहीं है, जो बाकी जगह लागू है वही यहाँ पे भी लागू है। थोड़ा सा इसमें मास्क में और मास्क नहीं पहनने वालों पे कार्रवाई इसमें अब की जा रही है ज़्यादा। और सर बड़वा में कंट्रोल नहीं हो रहा है भीड़ पे प्रशासन के द्वारा, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल वाली बात नहीं है, वो कार्रवाई प्रशासन अपनी कर रहा है और लोगों को भी उसमें उतना ही सहयोग देना पड़ेगा। सर रिपोर्ट जैसे कल रात को आई थी उसके बाद भी बॉयलर में प्रोडक्शन चालू था। बॉयलर का क्या होता है, वो साइंटिफिकली बंद होता है ना, एकदम तो से बंद नहीं होता है, उसको अलग अलग घंटे के अंतराल पे बंद किया जाता है। तो सर 12 से 13 घंटे का समय होने के बाद भी वो आज बॉयलर जो है वो बंद हो जाएगा, बाकी एक्टिविटीज बंद है, बॉयलर अभी धीरे धीरे बंद होगा, वो साइंटिफिकली होता है, उसको धीरे धीरे शट डाउन किया जाता है। सर इतने बड़े कर्मचारियों वाली ऐसी संस्था जो प्रोडक्शन का काम कर रही है, तो क्या जिले में और भी अन्य संस्थाओं पर कोई कार्रवाई प्रशासन करेगा? देखिए अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हर जगह लागू मतलब चालू हो चुकी है और वो यहाँ पे भी चालू हो चुकी है। अब अगर क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव आया है तो इस कारण से जहाँ पॉजिटिव आता है वहाँ आपको कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ता है, इस कारण से उसको बंद किया जाएगा। सर ये लॉकडाउन वैसा लॉकडाउन नहीं है कि बाकी फैक्ट्रीज आप बंद कर दो, अगर वहाँ पॉजिटिव मिलता है या कोई सिम्टोमेटिक आदमी मिलता है तो उस पर उस तरह से गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर पूर्व में भी फैक्ट्री में 3 से 4 युवक आए थे पॉजिटिव, उनके दौरान भी फैक्ट्री सील नहीं की गई और आज 25 आने पर की गई है, क्या पहले जो आया था वो किसी लैब में आया था तो उस लैब को सील किया गया था, आज जो है वो फैक्ट्री के लोग आए हैं पॉजिटिव तो उस फैक्ट्री को पूरा सील करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।